सत्संगत करीब दो बरस के बाद बिहार झारखंड का समागम आयोजित हुआ है, जो 2013 में पटना शहर में ऐसा ही विशाल भव्य रूप बना और आज फिर से रांची के इस शहर में, झारखंड की राजधानी में आप सभी श्रद्धा भक्ति भाव से युक्त होकर उपस्थित हुए हैं। और यहाँ जो झारखंड बने चंद बरस हुए, लेकिन समूचे बिहार में यही प्रांतीय समागम कहीं पटना, कहीं समस्तीपुर, कहीं बरौनी, कहीं धनबाद, कहीं बोधगया, इस तरह से अलग अलग स्थानों पे समय समय के ऊपर आयोजित होता आया है। और रांची में भी ये दूसरी बार समागम का आयोजन, और वो भी पूरे 15 बरस के बाद सन 2000 में इसी शहर में ये बिहार का समागम हुआ था। जैसा कि अभी दो दिन पहले ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का समागम जबलपुर में संपन्न हुआ, जहां से यहां पहुंचे हैं, तो उस जबलपुर शहर की भी बारी 19 बरस के बाद आई। तो इस तरह से स्थान स्थान के ऊपर, जगह जगह के ऊपर ऐसे समागमों का आयोजन एक ही अभिप्राय, जिन हालातों का भी जिक्र हुआ है, इंसान की फितरत का, इंसान की मानसिकता का जिक्र हुआ है, ज्ञान की रोशनी और अज्ञानता के अंधकार का जिक्र हुआ है, तो अभिप्राय यही है कि इंसान की मानसिकता, इंसान की सोच, इंसान की भावनाएं, इनमें एक ऐसा बदलाव आए जो बदलाव उसके स्वयं के लिए और संसार के लिए वो लाभदायक साबित हो सके। इंसान अंधकार ढोता चला जा रहा है, अंधेरे में विचरण करता चला जा रहा है, तो उजाला आ जाए जीवन में, जैसे कहा भी है कि तिमिर गयो रवि देखते, और ये तिमिर अंधकार मिट जाता है रवि सूर्य के उदय होने से। भक्ति गई अति लोभ ते, और एक लोभ लालच की भावना से हमें निजात मिलती है। अगर भक्ति वाली भावना हमारी बन जाती है, तो इस प्रकार से ये अंधकार के प्रतीक, जो विपरीत भावनाएं जिनको हम कहते हैं, ये अंधकार के प्रतीक हैं। ये डार्कनेस जिसको हम कहते हैं, अंधेरा जिसको हम कहते हैं, तो ये अंधेरा मन में भी छाया हुआ है और आत्मा भी अंधकार में है। आत्मा और मन दोनों को रोशन करने की यहाँ पर बात हो रही है। छोटे से बच्चों की रसना से भी आपने सुना, जवानों की, बुजुर्गों की, बहनों की, माताओं की रसना से आपने आज भी, जब से ये सत्संग का आरंभ हुआ, शायद 6-6.5 घंटे हो गए होंगे, और हर एक ने इन्हीं पहलुओं की तरफ ही सबका ध्यान अग्रसर किया है कि हमने अपनी आत्मा का भी संवारना है, अपने मन को भी दुरुस्त रखना है। आत्मा जो जन्मों जन्मों से नाना शरीर धारण करती आ रही है, क्योंकि इस आत्मा को अपने निज रूप की पहचान नहीं है,
निज घर की पहचान नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि इसी कारण ये आत्मा शरीर बदलती रहती है, जैसे शरीर के लिए हम वस्त्र बदलते रहते हैं, आत्मा के लिए भी शरीर वस्त्र है और ये आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। जम जम मरे मरे फुन जमे, बहुत सजाए प्या देश लमे, कादर करीम ना जाना जे तो तिल पीड़े जो कहानियाँ। कि ये चेन ऑफ बर्थ्स एंड रीबर्थ्स इट कंटिन्यूज एंडलेसली एवर, लेकिन केवल और केवल ये पहलू नहीं है। भगवान कृष्ण ने ये भी बात कही है कि अगर आत्मा मुझ अविनाशी को मेरे असल रूप में जान लेती है तो वही आत्मा मोक्ष और मुक्ति की पात्र बन जाती है। मोक्ष और मुक्ति का मतलब कि वही जन्मना और मरना, शरीर धारण करना, उनसे निजात हासिल हो जाती है। तो इंसानी जन्म को जब जब भी जिसने पाया है उसके लिए सबसे अहम बात करने लायक यही मानी गई है। वेदों, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इसी का ही बयान है, यही जिक्र है कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। कि हे इंसान, इस मनुष्य जन्म को पाकर जो सबसे ज़रूरी लाजिम कार्य है अगर वही अछूता रह गया तो फिर तेरी बात बनने वाली नहीं है, फिर तो मंद भागा है, तो एक खुशकिस्मत नहीं है। भाग्यवान और खुशकिस्मती उसी की मानी जाती है जो इस संसार में पैदा होकर सबसे लाजिम कार्य को कर लेता है, इस मंजिले मकसूद को पा जाता है। आत्मा के भेद मिट जाते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, आत्मा को अपने मूल की पहचान हो जाती है। इसी देही में रहते हुए अक्सर कहा जाता है ये देही तो बर्तन है, बर्तन टूटेगा, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। अगर बर्तनों के टूटने से ही आत्मा परमात्मा से मिल जाती है फिर तो कत्लो गारत करते रहो, डाके चोरियां डालते रहो, बर्तन तो उनका भी टूट जाता है, फिर तो वो भी बर्तन टूटा और आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये बर्तन बीच में उस तरह से वो बर्तन नहीं है। अगर बर्तन है तो वो ढक्कन उसका माने हम कि जैसे गागर का ढक्कन है और वो ढक्कन अज्ञानता रूपी है। अज्ञानता हटेगी तभी अंतर बाहर का जल एक हो जाएगा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इसी देही में रहते हुए कबीर जी ने प्राप्ति की, शरीर छोड़ जाने के बाद कोई गैबी आवाज़ में कोई आकाशवाणी नहीं की, इसी शरीर में रहते हुए यही लखता करने के बाद, यही बोध गुरु के चरणों में जाकर रामानंद जी की कृपा से ये बोध हुआ, तो फिर इसी देही में होते हुए जीवन काल में ही कह रहे हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचानी। अब कोई कहे कबीर को कि शरीर में हो कहाँ पर एक में, कहाँ पर राम कबीरा एक भय, कैसे शरीर में हो। तो ये शरीर में ही रहकर इस लोक में ही हमने परलोक भी संवारना होता है जिसका सीधा सा नाता आत्मा के साथ है। तो आत्मा की भी हमने सोचना है, आत्मा के बारे में सोचना है। शरीर में क्योंकि विचरण करते हैं, केवल और केवल हमारा ध्यान शरीर की तरफ जाता है। इस शरीर को रिष्ट पुष्ट, इस शरीर को भोजन, इस शरीर को सुंदर लिबास, इस शरीर की सुंदरता, तो शरीर के तल तक ही हम रह जाते हैं और सारी उम्र बीत जाती है। अगर शरीर के तल तक ही रहना है फिर तो 84 लाख योनियां भी तो शरीर के तल पर ही, भोजन वो भी, जितने भी योनियां जिसको हम कहते हैं, पशु कहते हैं, जानवर कहते हैं, पंछी कहते हैं, कीड़े मकोड़े कहते हैं, भोजन वो भी करते हैं, संतान उनके भी होती है, औलाद उनके भी होती है, भय वो भी खाते हैं, जन्मना और मरना उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो फिर इंसान अगर तू भी उसी तल तक रहा तो फिर
बड़े भाग्यमान उस तन पावा। फिर इस पंक्ति का क्या मायना हुआ, ये क्यों कहा कि बड़े भाग्य की बात कि तुझे मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म भाग्य की बात इसलिए माना गया है कि ये तेरे लिए एक सुनहरी अवसर है, जिसको हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, कि एक सुनहरी अवसर है कि आत्मा का उद्धार हो पाए। शरीर की यात्रा तो कितनी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। कहीं खबरों में मिल जाता है कि फलां इंसान फलां मुल्क में 120 बरस का हो के संसार से रुखसत हो गया, इससे आगे कहाँ जाएंगे। लेकिन आत्मा की यात्रा कोई 40, 20, 100 साल की है नहीं है। जैसे कहा कि ये यात्रा आत्मा की कब से चलती आ रही है। तो इसलिए जिसका सबसे ज़्यादा सोचना है उसकी तरफ ख्याल ही नहीं जाता है, और केवल शरीर और प्राप्तियाँ उपलब्धियाँ यहीं तक अपने जीवन को सीमित रख देते हैं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन इस पहलू की तरफ ये ध्यान दिलाते आ रहे हैं, जैसे आज भी सत्संग में दिलाया जा रहा था कि इंसान सोच गौर कर, मालिक ने तुझे सोचने समझने की ताकत दी है, लेकिन इस समझ का सही मायनों में इस्तेमाल कर ले और वो जागरूकता प्राप्त कर ले, आत्मा को नाता परमात्मा से जोड़ ले। और वो भी बताया कि ये संभव कैसे हो पाए जब तक ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाए। जैसे वो भी पंक्तियां हम महापुरुषों के पढ़ते हैं कि कहे कबीर तब आइए जब भेदी लीजिए साथ, कि जब भेदी मिल जाए तो तभी आसान हो जाता है कार्य। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो दुर्लभ है वो सुलभ कैसे हो, आसान कैसे हो। आसान तभी होगा अगर मीराबाई के लिए रविदास जी जीवन में आ गए तो आसान हो गया शाम के असली अविनाशी रूप को जानना। इसी प्रकार से ये दुर्लभ जो है प्राप्ति, ये हिस्से में अगर आ जाए तो इससे ऊंचे भाग्य क्या होंगे। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा हो गया, मंजिले मकसूद को पा लिया। इस मंजिल को ऐसा पाया कि यही निज घर की भी पहचान हो गई, वरना जिसको अपने घर की पहचान ना हो वो कहाँ कहाँ भटकता रहता है। तो जिसको अपने घर की पहचान होती है उसको भटकना नहीं पड़ता है, वो सीधा ही वहीं जाता है। इसी प्रकार से ये भटकन समाप्त हो जाती है इस आत्मा की, जब इसको अपने निज घर की निज रूप की पहचान हो जाती है, जान जाती है कि यही मेरा मूल है, मैं इसकी अंश हूँ। और जिस मूल को जाना, ये मूल अविनाशी भी है, ये अचल भी है, अजन्मा भी है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयंभू कहा गया है, जो खंडित नहीं होता है, जिसकी कोई रंग नस्ल जाति नहीं है। तो जब ये जाना इसको इसके रूप में, जैसे अभी भी जिक्र हो रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ये बोध कराया जाना, जिसके कारण वो दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो जाता है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ। वो जब ज्ञान की चक्षु दिए जा रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो चक्षु प्राप्त करने के बाद क्यों चारों तरफ दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो रहा है, क्योंकि तब उसने भगवान कृष्ण के असली अविनाशी रूप के दर्शन कराए किए, जो कि अविनाशी, जो खंडित नहीं होता, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला भी है और उसमें उपस्थित भी है। जैसे अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि ये नौ चीज़ां दृष्ट मानने जिसनू कहंदे माया है, दसवां ब्रह्म इना तो वखरा इना विच समाया है। कि इस प्रकार से ये इसी में समाया है। अभी भी रामनवमी आने वाली है और महाराष्ट्र में मुंबई में गए तो कुछ बरस पहले वहाँ मराठी में महापुरुष समागम पे, जैसे इस वर्ष
पहला ही प्रांतीय समागम मुंबई में हुआ था 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक। तो वहाँ तमाम समागम 90% मराठी भाषा में ही चला और वहाँ मराठी में वो महापुरुष बता रहे थे कि जब ये राम नवमी शब्द हम सुनते हैं तो कहने लगे कि मुझे तो यही ध्यान आ रहा है कि ये राम नौ में है। नौ मतलब वही ये नौ चीज़ा दृष्ट मानने जिसनु कहंदे माया है, यानी कि ये सारी कायनात में इसकी उपस्थिति, ये जो विराजमान है, जल थल मैयल पूर्या स्वामी सृजनहार, जलस्थ हुई थलस्थ हुई जमी जमा के बिखे समस्त एक ज्योत है, जो ना कमती होती है ना बढ़ती होती है, एक समान रहती है। तो जब आत्मा ने अपने इस निज रूप को जान लिया तो साथ में ये भी बोध हो गया कि जिसकी मैं अंश हूँ इसकी तो कोई जाति ही नहीं है। क्या परमात्मा की जाति है? अगर सूर्य की जाति नहीं है तो उसकी किरणों की जाति कहाँ पर आ गई? यानी कि एक मन में भी अब उजाला आ गया, जहाँ आत्मा को रोशनी मिली, आत्म रोशन हुआ, वहाँ पर इसी जानने के बाद मन में भी वो रोशनी उत्पन्न हो गई। मन में भी जो भ्रम पैदा हुए थे जाति पाति को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, जिसके कारण अपनी जाति पे अभिमान और दूसरे के ऊपर जुल्म, दूसरों का तिरस्कार, दूसरों को मलेच्छ, दूसरों को अछूत, ये कह कह के हम दुर्व्यवहार करते चले गए। वही बात जो आरंभ में दास ने कही कि अंधकार, डार्कनेस, अज्ञानता रूपी अंधकार, अज्ञानता के कारण ही, क्योंकि परमात्मा को नहीं जाना। जिन्होंने जान लिया फिर जाति पाति पूछे नहीं, कोई हर को भजे सो हर का होई, फिर कोई वो सवाल नहीं रह जाते हैं। यानी कि आत्मा भी रोशनी स्थापित हो गई, वो तिमिर मिट गया, वो अंधकार मिट गया, वो भ्रम मिट गया, क्योंकि भ्रम मिट ही नहीं सकते जब तक उजाला ना हो। अगर उजाला ना हो तो रस्सी भी सांप है, अगर उजाला हो जाता है तो ठीक ठीक नजर आ जाता है, ये तो रस्सी है। खाम खाही मैं रात भर यहाँ मंडेर पर खड़ा रहा, घर वाले भी फिक्र करते रहे कि आया क्यों नहीं, इतनी देर हो गई, सवेरा होने को है। और जब सूर्य की पहली किरणें पड़ी और वही इंसान माथे पे हाथ मारता है कि इस पगडंडी पर रात भर खड़ा रहा कि ये सांप आगे सरके तो जाऊं, दाएं भी पानी बाएं भी पानी, और किरणें पड़ी सूर्य की तो देखता है तो रस्सी है। यानी कि उजाला हुआ तो वो सांप की जो मान्यता मानी हुई थी कि ये सांप है, वो भ्रम तभी तो मिटा, और भ्रम ने उसको बंधन में डाला हुआ था, बंधन में ही तो था। बेशक उसके पाँव में कोई बेड़ियाँ नहीं थी, कोई पाँव में जंजीर नहीं थी, कोई पाँव में रस्सी से बांधा नहीं हुआ था कि वो आगे नहीं जा पा रहा है, कोई रस्सी कोई जंजीर नहीं थी, लेकिन फिर भी बंधन में। और बंधन का कारण भ्रम, और भ्रम का कारण अंधकार। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि मूल को पकड़ो, अंधकार मिटाओ। अंधकार अज्ञानता का मिटेगा तो भ्रम भी मिट जाएंगे, भ्रम मिटेंगे तो बंधनों से भी निजात मिल जाएगी। ये तेरे मेरे के सवाल, तोर मोर की जेवरी, बट बांधा संसार, एक कबीरा क्यों बंधे जा का नाम आधार, फिर ये बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। फिर वसुदेव कुटुंबकम वाली भावना स्थापित होती है, फिर सारी वसुधा के ऊपर बसने वाले सारे अपने हैं, ये मेरे ही हैं, ये मेरे परम पिता की संतान, ये भी है मैं भी हूँ। माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किच पोच माटी के भांडे ना किच पोच कुम्हारे, कि यही कुम्हार है, यही कुम्हार ने ये रचना रची है। कुम्हार ने मिट्टी भी वही इस्तेमाल की है जो पांच तत्व हम कहते हैं, कि ये पांच तत्व का पुतला है, पांच तत्व इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया कुम्हार ने और नाना रूप उसको दे डाले। कुम्हार भी वही, मिट्टी भी वही,
केवल आकृतियों में बदलाव। तो आकृतियों में बदलाव, हमारी संस्कृतियों में बदलाव, कोई धोती पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई टोपी पहनता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई अवधी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई गुरमुखी बोलता है, कोई गुजराती, मराठी, राजस्थानी, असमिया, बांग्ला, उड़िया बोलता है, कोई फ्रेंच या डैनिश या स्पैनिश बोलता है, कोई मैंड्रिन या चाइनीज या जापानीज बोलता है। ये सब बाहरी आकार, बाहरी रूप, बाहरी सिलसिले, मट्टी वही, पांच तत्व, सभी पांच तत्व के बने हुए हैं। वो पंक्ति याद आ गई जब पांच तत्वों का जिक्र किया, करीब शायद 35-40 बरस हो गए होंगे। अपने ही मिशन में जितने कितने कितने गीतकारों ने कितनी कितनी रचनाएं लिखी हैं, आज भी आपने अनेकों भाषाओं में गीत भजन श्रवण किए, तो बहुत अरसा पहले वो एक गीत गाया जाता था सत्संग में, और वो पंक्ति अभी जहन में आ गई कि डंका सुनो डंका, होगी बसम की ढेरी तेरी पांच तत्वों की लंका। कि ये डंका बज रहा है, ये डंका बज रहा है, ये संदेश दिया जा रहा है, ये और ये संदेश दिया जाता रहा है। याद रख के होगी भस्म की ढेरी, ये भस्म हो जाएगी तेरी पांच तत्वों की लंका, ये तेरी लंका शरीर रूपी, ये पांच तत्वों की ये भस्म हो जाएगी, एक खाक का पुतला खाक की ढेरी में तब्दील हो जाएगा। और आगे उसमें कहा जा रहा है कि हे मन रावण, सीता सुरत को कब राम से मिलाएगा। कि इस प्रकार से हे मन रावण, ये मन ही तो बीच में आ जाता है, रावण अभिमान का प्रतीक, ये मन ही तो अभिमानी हो जाता है, मैं क्यों जाऊँ, मैं इतनी पढ़ा हुआ, मैंने इतने अध्ययन, मैंने यात्राएं, मैंने स्नान, मैंने ये मैंने वो किया हुआ है, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों नतमस्तक हूँ। बीच में अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। जैसे वो भी पंक्ति महापुरुषों की आती है कि चाले थे हरि मिलन को और बीचे अटका चीत, बीच में चित अटक गया, बीच में अहम आ गया, बीच में वो बहाने आ गए। तो महापुरुष संत जन कहते हैं कि टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए, ना हर भज्यो ना खत पट्यो, काल पहुँचो आए। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन यही कहते हैं, जो बात हो रही थी कि पांच तत्वों की, सभी एक मट्टी से बने हुए, फिर ये भ्रम मिटा मन का और जाति पाति की दीवार गिर गई। और क्योंकि इस एक को, परमात्मा को इस एक करके जान लिया, फिर मजो मिल्लत की भी दीवार गिर गई। ये जो मज़हब जो आज रूप बने हुए हैं, जो केवल और केवल घृणा और नफरत के बीज मनों में बोते चले जा रहे हैं, कितनी कितनी हिंसा, कितनी कितनी कत्लो गारत, कितनी कितनी क्रूरता, कितने कितने कठोरता, कितनी कितनी निर्दयता, ये टीवी पे भी आप देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में क्या क्या हो रहा है, और भी अपने मुल्क में भी समय समय पे दंगे फसाद होते हैं, कहीं जाति को लेकर, कहीं धर्म और मज़हब को लेकर कितने कितने मासूमों की जाने जाती हैं। तो इतनी क्रूरता, कितनी कठोरता, कितनी निर्दयता, केवल इसलिए कि वो बोध नहीं है, परमात्मा को बांट दिया, अल्लाह अलग है, राम अलग है, गॉड अलग है। परमात्मा को ही जब बांट सकते हैं तो पैगंबरों को क्यों ना बांटेंगे, और अगर पैगंबरों को बांट दिया तो इंसानों को तो बांटेंगे ही बांटेंगे। इस तरह से ये बांट बांट कर इंसान इंसान से कितना दूर हो गया है। जो मूल था, दो ट्रू एसेंस, दो असली असलियत थी, वो तो खो गई, केवल और केवल चिन्ह रह गए, इमारतें रह गईं,
कुछ क्रियाएं कर्म कांड रह गए, लिबास रह गए, वही धर्म की पहचानें बन गई, लेकिन भूल गए कि परिभाषा धर्म की जो बताई गई थी कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जहाँ पर दया ही धर्म का मूल बताया जा रहा है, तो ये मासूमों की जाने लेनी, क्रूरता, कठोरता, इसमें कौन सा दया वाला पहलू सामने आ रहा है? कुछ भी तो नहीं है। इसलिए एक धर्म मज़हब केवल और केवल हमारे मनों में दूरियां पैदा कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, और छोटे से बच्चों में भी हम वही जहर घोल रहे हैं। हैरानी होती है, एक दफ़ा कुछ मालूम पड़ा कि एक स्कूल में बच्चे जाते हैं, जैसे पढ़ते हैं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो एक दिन एक बच्चे के माता पिता आए स्कूल में, उनके मन में चाहना हुए कि हम देखें क्लासरूम कैसा है हमारे बेटे का, अंदर नहीं जाएंगे। प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास जैसे चल रही है चलती रहे, हम बस किवाड़ से दीवार दरवाजे से ही देख लेंगे। तो आए, देखा, घर लौट गए। बच्चा जब छुट्टी के बाद घर पहुंचा, तो बच्चा घर पहुंचता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटे, कल तू जब जाएगा स्कूल तो जाकर टीचर से रिक्वेस्ट करके अपनी सीट बदलवा लेना। वो कहता, क्यों? कहते, तेरे साथ जो बैठता है वो पता है वो तेरी जाति वाला नहीं है, बदलवा ले। अब वो छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, उसको उसी उम्र में ही जहर से भर दिया हमने, घृणा से भर दिया। क्या बच्चों को यही संस्कार देने हमने? और फिर उम्मीद करते हैं कि बड़े हो के ये वरदान बनेंगे हिंदुस्तान के लिए, धरती के लिए, अपने मुल्क के लिए, एक ऐसे सिटीज़न बनेंगे सारी संसार के लिए। हमने तो वो पहले ही आधार ही बिगाड़ दिया, अभी से ही हमने उसको वो भाव प्रदान कर दिए। यही बात मज़ो मिल्लत को होकर, को लेकर हो रही है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी हथियार पकड़ाए जा रहे हैं कि मार डालो, काट डालो। तो इस तरह से बहुत दूर निकल गए हैं, धर्म की जो असली असेंस थी वो कहीं खो गई है और कहीं दूर निकल गए। जैसे वो बहुत पहले किसी फिल्म में, मूवी में देखा था कि कोई एक हीरे की बात हो रही थी और किसी डिब्बे में हीरा था, वो डिब्बा उठाया, वो एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं और दूसरे लपकने के लिए उनके एक की तरफ आए उससे डिब्बा लेने के लिए, वो अपने साथी की तरफ डिब्बा उछाल कर फेंक दे, वो कैच कर ले, फिर उसकी तरफ दो भागे, वो फिर अपने तीसरे साथी की तरफ डिब्बा फेंक दे के इनके हाथ ना लगे। तो वो बचाते बचाते वहाँ से जब सफलतापूर्वक भाग निकले और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं डिब्बा खाली है। इतनी जद्दोजहद भी हुई, इतना कुछ हुआ भी, और डिब्बे में कुछ था ही नहीं, और उसके लिए जान भी जा सकती थी। तो यही देखकर ध्यान में आया कि यही तो नहीं कहीं हो रहा है कि धर्म अपने आप में अलोप हो गया, और जिस धर्म को धर्म हम मान बैठे हैं उसको ही लिए जा रहे हैं और एक दूसरे से के ऊपर जुल्म और सितम करते चले जा रहे हैं, और बीच में तो खो ही गया है जो असल था। तो इसलिए असलियत की तरफ जाना है। एक मानवता ही सच्चा धर्म है, इंसानियत ही सच्चा धर्म है। अगर इंसानियत ही चली गई, बाकी सब कुछ हमने बना डाला, बहुत कुछ हमने संभाल लिया, लेकिन मानवता, इंसानियत ही हाथों से निकल गई, बात वही है, फिर तो
धर्म तो रहा ही नहीं, उसको तो हमने कुचल दिया, मसल दिया, वो तो है ही नहीं, मानवता है ही नहीं, इंसानियत है ही नहीं, दया है ही नहीं, करुणा है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कबीर जी कह कह के थक गए कि धार्मिक होना हमारी पंडिताई इसी में है कि ढाई अक्षर प्रेम के सीख जाएं, वरना पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। तो इसलिए अगर प्रेम भी नहीं है, दया भी नहीं है, करुणा भी नहीं है, एक दूसरे के लिए सद्भाव ही नहीं है, सब कुछ विपरीत है, फिर कौन सा धर्म, किस धर्म को ऊंचा मानकर चला जा रहा है, किस धर्म के लिए इतनी जय जयकारें बुलाई जा रही हैं। तो ये विचारना होगा, ये सोचना होगा, ये मूल्यांकन करने होंगे, अंतर झांकना होगा। ये नहीं कि बस चलते चले जाओ, चलते चले जाओ सोचे समझे बगैर। तो यहाँ पर निरोल इस परम अस्तित्व परमात्मा की बात हो रही है, मानवता की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, दीवारों को गिराने की बात हो रही है, एक दूसरे को गले लगाने की बात हो रही है, हर प्रकार के भेदभाव, भेद वाले भाव मिटाकर एक इंसान को इंसान के रूप में देखते हुए एक दूसरे का भला मांगते भी चले जाएं, एक दूसरे का भला करते भी चले जाएं, और छोड़ दें वो विपरीत भावनाएं, जैसे कि हालात जैसे आज हैं। एक वो बात ध्यान में आई कि एक इंसान अपने ही पालतू कुत्ते की पूंछ काट रहा था और दूसरा पूछता है कि क्या हुआ तेरी अकल को, ये अपने कुत्ते की पूंछ क्यों काट रहा है। कहने लगा चुप कर जा, आज शाम को मेरी सास आ रही है तो मैं कोई ऐसी यहाँ पर बात नहीं सामने लाना चाहता कि मेरी सास समझे कि उसका स्वागत है इस घर में। अगर वो आई ये कुत्ता कहीं पूछ लाएगा, प्यार जताएगा, तो मैं पूरा पूरा ये उसको मैसेज देना चाहता हूँ कि शी इज़ नॉट वेलकम हेयर, कि अपने कुत्ते की पूछ ही काट डाली। तो ये तो हाल है इंसानों का कि एक थोड़ी सी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, कोई खुशी मिल जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे अपना ही नुकसान करना क्यों ना पड़ जाए। ये एक हालत आज के इंसान की है। तो महापुरुष संत जनों ने जो सब हकीकत सामने रखी, जो इंसान के सामने जो पहलू रखे, वो यही पहलू रखे, दोनों ही पहलू, अंधकार वाला और उजाले वाला, प्यार वाला और नफरत वाला, विनम्रता वाला और अभिमान वाला, संकीर्णता वाला और विशालता वाला, गिले शिकवे और सबर संतोख वाला, ये दोनों ही पहलू हमारे सामने रखे और फिर कहा कि विवेक अगर जाग जाता है, अगर ये बोध हो जाता है, फिर सही चुनोगे। क्योंकि विजडम और विवेक जब जाग गया फिर सही चुनोगे, फिर सोच भी सही हो जाएगी, भाव भी सही हो जाएंगे, व्यवहार भी सही हो जाएंगे, फिर सही सही चुनोगे, जिसके कारण तुम्हारा भी भला, तुम्हारा भी यश, और तुम औरों के लिए भी वरदान बन जाओगे, इस धरती के लिए तुम वरदान बन जाओगे। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों की वाणी ये यही पुकार पुकार कर कह रही है, ज़रूरत है इसको समझने की, ज़रूरत है वो रियलाइजेशन करने की, ज़रूरत है इस हकीकत को समझने की, और फिर इसी डगर पर चल निकलते हैं जो इस क्रांति के घटित हो जाने के बाद, ये क्रांति जब जीवन में घटित हो जाती है तो तब उसके बाद का सफ़र फिर वो वही होता है जो संतों भक्तों वाला होता है, जिनके लिए ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संघम को बने आई,
जिनके लिए फिर कोई पराया कोई बेगाना नहीं होता है, जिनके लिए ये सच्ची दौलत, ये नाम की दौलत है, ये दुनियावी दौलतों के लिए कहीं जुल्म सितम नहीं करते हैं, ये जान जाते हैं कि ये सारे ही अपने ही परिवार का अंग हैं, ये फिर किसी को के ऊपर जुल्म नहीं ढाते हैं, कोई भी कारणवश ये जुल्म नहीं ढाते हैं, किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, ये फिर केवल शाब्दिक नहीं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, ये केवल शाब्दिक प्रार्थना नहीं रह जाती है, फिर ये सही मायनों में इनकी वो भावना बन जाती है। क्योंकि सब अपने नज़र आ रहे हैं, इसलिए किसको पराया किसको बेगाना किसके ऊपर जुल्म, ये भावना नहीं रहती है। तो आज ज़रूरत इन्हीं भावनाओं की है, चाहे झारखंड के वासी हैं, चाहे बिहार के वासी हैं, हिंदुस्तान के किसी प्रांत के वासी हैं, या फिर विश्व के किसी मुल्क के बशिंदे हैं, पहाड़ों में रहने वाले हैं या रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले हैं, किसी टापू पे रहने वाले हैं या किन्हीं बस्तियों में रहने वाले हैं, हैं तो इंसान, तो हर इंसान की फितरत में ऐसा बदलाव आ जाए, ऐसी क्रांति घटित हो जाए, यही एक आस लिए हुए, यही प्रार्थनाएं लिए हुए आप सभी इस संत समागम के ऊपर उपस्थित हैं और अपने अपने जगह के ऊपर रहकर यही एक संदेश दिए जा रहे हैं कि वाकई ही मिशन का मकसद और मंतव्य केवल और केवल यही है, और कोई ना प्रलोभन दिए जाते हैं, ना कोई चमत्कारों की बातें यहाँ होती हैं, केवल और केवल स्टीक, केवल और केवल उस बिंदु के ऊपर केंद्रित होकर कि आत्मा का मकसद इस शरीर में आकर यही है जो पूरा करना, कि अपने मूल की पहचान करना, और लोक की रही बात, जो यात्रा हम शारीरिक रूप में तय करते हैं, तो इस यात्रा को भी हम प्यार और प्रेम के साथ, मिलवर्तन के साथ तय करें, मिठास से तय करें, यानी कि लोक और परलोक दोनों को संवारने की, दोनों जहानों की बाजी जीतने की ही केवल यहाँ पर बात होती है। और यही मिशन का सादा सा रूप में ये मैसेज है हर इंसान हर मानव के लिए, जो शुरू से संतों महात्माओं गुरु पीर पैगंबरों का रहा है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, क्योंकि समय काफ़ी आगे निकल चुका है और आज पहले दिन इस समागम में भरपूर आनंद लिया गया, और यही प्रार्थना कि कल भी ऐसा आनंदमय वातावरण और मधुर अमोलक वचन अनेकों अनेकों रूपों में, जैसे आज आपने सुने अनेकों भाषाओं में, तो कल भी वचनों का आनंद भी ले पाएँ और अपने आप को और सुदृढ़ कर पाएँ भक्ति के ऊपर, इंसानियत के ऊपर। सत्संग जी धन्य।